Hello students, in this video we are going to discuss the principle of flotation. So what is principle of flotation? Let's start the video. Students, देखिए पेज एक बार बोर्ड पर आइए. देखिए क्या होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. तो देखिए स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, पर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ. एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. ये पर दोबारा देखिए स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में कब तक तैरेगा. देखिए स्टूडेंट ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, इसका मतलब इस प्रिंसिपल के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, यानी फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में छोड़े तो वो फ्लोट करे. तो उसके लिए अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कि एक ऑब्जेक्ट पानी में उस वक्त या किसी भी लिक्विड में स्टूडेंट उस वक्त फ्लोट करता है जब उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है. देखिए स्टूडेंट अगर कहेंगे कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर हो जाए, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही वेट के बराबर का अगर लिक्विड डिस्प्लेस्ड कर देता है, हटा देता है, मान लीजिए जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है और उतना ही वेट अगर वो उस लिक्विड का डिस्प्लेस्ड कर दे, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट वो क्या करेगा, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करता है. देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, देख सकते हैं डायग्राम, देख सकते हैं स्टूडेंट इस डायग्राम में. देखिए स्टूडेंट ये एक तरीके का एक ग्लोब है मेरे पास, और स्टूडेंट देखिए इस ग्लोब को मैंने एक लिक्विड में डाला और वो लिक्विड मैंने मान लिया आपका वाटर. तो देखिए स्टूडेंट जब मैंने इस ग्लोब को इस पानी में डाला हुआ है, तो आप याद रखिए कि जब इस ऑब्जेक्ट को या इस ग्लोब को पानी में डालूंगा तो इस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे. पहला तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो लगेगा, यानी वेट ऑफ द ब्लॉक जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. और दूसरा स्टूडेंट अगर मैंने इसको लिक्विड में डाला है तो डेफिनेट सी बात है इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगेगा. तो स्टूडेंट देखिए जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर एक्ट करेंगे, एक नीचे की तरफ लगेगा एक ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ब्लॉक आपका जो है जो आपका ब्लॉक है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है. मान लिया मैंने ये गुड़ का ब्लॉक है, तो स्टूडेंट देखिए ये यहां पर फ्लोट कर रहा है. तो स्टूडेंट देखिए ये फ्लोट कैसे कर रहा है स्टूडेंट, तो आप याद रखिए स्टूडेंट इस ब्लॉक को इस लिक्विड के अंदर फ्लोट करने के लिए जितना इस कह सकते हैं स्टूडेंट जितना इस वुड का या जितना इस ब्लॉक का वेट होगा, अगर ये उतने ही वेट का लिक्विड यहां से डिस्प्लेस कर दे या हटा दे, उतने ही वेट का लिक्विड अगर ये निकाल दे, तो स्टूडेंट याद रखिए उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका फ्लोट करता है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ समझिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई ब्लॉक है और मान लीजिए कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो 50 न्यूटन है. तो स्टूडेंट देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, तो आप याद रखिए अगर इस ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन है और ये इस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, तो आप याद रखिए कि जब ये फ्लोट कर रहा है तो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसने 50 न्यूटन वेट का ही लिक्विड या अपने एरिया या अपने वॉल्यूम की वजह से क्या कर दिया होगा, डिस्प्लेस कर दिया होगा. मतलब 50 न्यूटन का लिक्विड इसने क्या कर दिया होगा, 50 न्यूटन का वॉटर या लिक्विड इसने क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा. क्वेश्चन याद रखिए फ्लोटेशन के लिए कंडीशन होती है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो बराबर होना चाहिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि ये अपने ही वेट के बराबर लिक्विड को अगर डिस्प्लेस करेगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा आपका फ्लोट करेगा. तो स्टूडेंट इस चीज को याद रखिएगा. अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपका क्या तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लोट कर सकता है, लिक्विड के अंदर जाकर फ्लोट कर सकता है, या कह सकते हैं इसका पार्शियली फ्लोट कर सकता है. जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पार्शियली फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट इसका अंदर है और कुछ पार्ट आप कह सकते हैं बाहर है. तो आप याद रखिए कि ऑब्जेक्ट पार्शियली भी फ्लोट कर सकता है और वो टोटली भी आप कह सकते हैं सबमर्स होकर भी आपका लिक्विड के अंदर क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है. अब देखिए स्टूडेंट देखिए नोट डाल के इसमें आगे लिखा हुआ था लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्स अंडर लिक्विड. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट देखिए दोबारा देखिए, द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्स्ड अंडर द लिक्विड. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि कितना वॉटर डिस्प्लेस्ड होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा. तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये अगर आपका मान लीजिए लिक्विड है, तो
तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये इस ऑब्जेक्ट का, ये इस वुडन ब्लॉक का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, देखिए मैं आपको शेडेड करके दिखा देता हूँ, ये आप पोर्शन देखिए, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इतना पोर्शन आप देख सकते हैं लिक्विड के अंदर है। तो स्टूडेंट यार याद रखिए, जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा उतना ही पोर्शन आपका क्या करेगा, उतना ही पोर्शन लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। मतलब हम इन आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितना पार्ट लिक्विड के अंदर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वही पार्ट आपका क्या करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, अगर उतने ही वेट का लिक्विड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर देता है, जिस लिक्विड में डाला जा रहा है उतना ही वेट जितना उसका खुद का है, उतना ही लिक्विड का वेट, उतने ही वेट का लिक्विड वो डिस्प्लेस कर दे, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। देखिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक बोट बनाई है, आप देख सकते हैं एक बोट है, और अगर स्टूडेंट ये बोट है तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि ये बोट है तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो कि होगा वेट ऑफ द बोट नीचे की तरफ, क्योंकि लिक्विड में है तो इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स एक्ट करेगा, फर्स्ट एक्ट करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज आप याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि उसके ऊपर आपका क्या लगता है स्टूडेंट, अपर फोर्स लगेगा यानी बाइंड फोर्स लगेगा। अगर उस पर लगातार बाइंड फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, तो आप याद रखिए लगातार अगर बाइंड फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा स्टूडेंट, वो फ्लोट करता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक बोट है, अब इस कंडीशन में अगर ये कह सकते हैं बोट फ्लोट कर रही है, तो अगर ये बोट अगर फ्लोट कर रही है तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना इस बोट का वेट होगा उतने ही वेट का लिक्विड ये बोट क्या कर रही होगी, डिस्प्लेस कर रही होगी, और उस कंडीशन में ये क्या कर रही होगी, आपकी फ्लोट कर रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए, एक कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये बोट है आपके पास, और मान लीजिए फिलहाल के लिए ये कुछ आप देख सकते हैं लेवल है पानी का, जितने लेवल तक ये पानी के अंदर मौजूद है। अब स्टूडेंट देखिए, इस बोट के अंदर मान लीजिए पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती है, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा, जब और ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट, इसका जो लेवल यहां पर था अब ये बढ़कर कुछ यहां पर हो जाएगा, यानी बोट और ज्यादा पानी के अंदर डूब जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बोट और पानी के ज्यादा अंदर क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा वॉल्यूम इसका चला जाएगा, और जब ये ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर चला जाएगा स्टूडेंट, यानी बोट और ज्यादा जब नीचे चली जाएगी पैसेंजर की वेट की वजह से नीचे की तरफ पानी के अंदर जाएगी, यानी ज्यादा वॉल्यूम बोट के अंदर जाएगा, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही बाइंड फोर्स क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। मैंने बता रखा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम अंदर जाता है वैसे वैसे बाइंड फोर्स इंक्रीज होता है। अब स्टूडेंट मान लीजिए हमने नंबर ऑफ पैसेंजर्स और इंक्रीज कर दिए, तो मान लीजिए स्टूडेंट एक पॉइंट ऐसा आया जब ये लेवल बिल्कुल यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच गया, यानी अब इसका वेट बनाने पर हम देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है, अब हम कह सकते हैं इसका और ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया, यानी बैंड फोर्स और ज्यादा इंक्रीज होगा ताकि बोट क्या रह सके, आपकी फ्लोट कर सके। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए, अब अगर आप और ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा देते हैं तो एक कंडीशन अब ऐसी आएगी कि ये बोट आपकी पानी के अंदर टोटली क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब इसके ऊपर यानी इस जो बोट का जो लेवल था, जो इसका बोट का जो कह सकते हैं फाइनल लेवल था, अब उससे ज्यादा वॉल्यूम इस बोट का नहीं है जिसको आप क्या कर सके, इसके अंदर डुबो सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वॉल्यूम और ज्यादा अंदर जा नहीं पाएगा, और जब वॉल्यूम और ज्यादा जाएगा नहीं तो स्टूडेंट कह सकते हैं बाइंड फोर्स इसके ऊपर लगना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसके ऊपर और बाइंड फोर्स नहीं लग पाएगा, और उस कंडीशन में ये बोट क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी। यानी बोट सिर्फ कब तक फ्लोट करेगी, जब तक कि इसका वॉल्यूम आपका धीरे धीरे अंदर जा रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम अंदर जाएगा इस बोट का, जितना पार्ट अंदर जाएगा उतना इस पर क्या लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि जब आपका पूरा पोर्शन या पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर चला जाएगा तो बाइंड फोर्स आपका फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसके बाद और बाइंड फोर्स पर नहीं लग सकेगा और ये बोट क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, मेरे को आपको बताने का सिंपल सा मेथड यही था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है वो सिर्फ कब फ्लोट करता है, वो आपका फ्लोट करता है जब उस ऑब्जेक्ट का वेट अपने ही वेट के बराबर के लिक्विड को क्या करते, डिस्प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका फ्लोट करता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक था स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच।